हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी सफ़ेद फास्फोरस के विषय में है। जिन भाइयों को सफ़ेद फास्फोरस नहीं मिल पा रहा है, वो ये नुस्खा अपना सकते हैं। आप क्या काम करें, कलमी शोरा ले लें, जो पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड में हल करें। उसकी एक 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 डली जो है उसमें डालते जाएं नाइट्रिक में, और दूर रहें। उसका जो धुआं होता है वो टॉक्सिक होता है। एक खड्डा ले लें, खड्डे को गोल काट करके वो बीकर के ऊपर डाल दें, बीच में छेद कर दें और एक एक डली डालते जाएं उसकी। ठीक है, ये आपका जो कलमी शोरा है नाइट्रिक में हल हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर 12 घंटा ऐसे रहने दें। फिर नीचे जो बचेगा वो सफ़ेद जो रहेगा उसको बाहर निकाल लें, उससे नाइट्रिक एसिड अलग कर दें। फिर इसको जो है देसी मूली में पका के इसका तेल बनाएं। ठीक है, ये तेल इतना ज़बरदस्त होता है कि गंधक का भी तेल कर देता है। और क्या बताएं, गंधक का तेल वो ऐसा बनता है कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। तांबा भी डाल दो, चांदी भी डाल दो, वारे भी डाल दो, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, बाकी आपका जो फास्फोरस है वो इसी के अंदर मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा बाहर से। आपको सफ़ेद फास्फोरस नहीं मिलेगा, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं मिल रहा है। किसी भाई ने कमेंट किया कि केले वाली गंधक बताओ। केले वाली गंधक का भी वीडियो किसी दिन आएगा, अभी मैं बिज़ी हूँ किसी काम में। ठीक है, और ये जो तेल बनेगा इसको सीधे गंधक के साथ फरल करें, ये गंधक का तेल कर देगा। ऑक्सीजी गंधक ही बनाएं, उसी के साथ इसको खरल करें, सीधे काम होता है इसमें। ठीक है, धन्यवाद।